हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। क्वेश्चन नंबर अपना 10 है 6.2 का। ये फलन दे रखा है और x बराबर 5/2 प्रवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो फलन में थोड़ा बहुत अपन सही करते हैं इसको कि 1 + sin x है और यहाँ पे इसके लिए दे रखा है कि 0 से बड़ा x और x से बड़ा है 5/2। फिर दूसरे में यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में दी हुई है तो इनको अलग अलग बनाएंगे पहले। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या है 5/2 से है, तो ठीक है 2 + x - 5/2 का क्या कर लेंगे। और उसके फिर एक्स बराबर भी 5/2 है तो यानी एक्स की जगह क्या लिखना है 5/2, तो 2 का 2 आएगा प्लस ये जो एक्स है इसमें 5/2 लिख लें क्योंकि बराबर लिखा हुआ है तो 5/2 का। और उसके तो 2 + 5/2 - 5/2 करेंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। तो एक्स का मान अगर 5/2 के बराबर है तो फलन कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब अपन इसमें LSD निकाल लेंगे और फिर क्या निकालेंगे HLSD RSD और किस पे चेक कर रहे हैं एक्स बराबर 5/2 पे। तो LSD निकालेंगे तो इसका मतलब होता है लिमिट H→0 f(a − h) और माइनस में f a और बट्टे में कितना होता है इसके माइनस एच। तो लिमिट H→0 एक्स की जगह 5/2 लिखें, एक्स बराबर 5/2 है तो ये का मतलब कितना हो गया 5/2, तो 5/2 माइनस एच माइनस में f 5/2 और बट्टे में कितना आएगा इसके एच यानी ये की जगह 5/2 मान दे रखा। और बाया अवकलज निकालते हैं तो उस टाइम एक्स का जो मान है वो 5/2 से होना चाहिए छोटा। तो एक्स का जो मान है ये रहा, एक्स का मान यहाँ पे 5/2 से क्या है छोटा है तो 5/2 से छोटा है तो फलन कितना है 1 + sin x। तो लिमिट H→0 1 + sin x था तो x की जगह क्या लिखना है 5/2 माइनस में h माइनस f 5/2 यानी x बराबर 5/2 का मान कितना है यहाँ पे 2, तो ये आ गया 2 और बट्टे में माइनस h। लिमिट H→0 1 + sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos h और माइनस में 2 और बट्टे में माइनस h। लिमिट H→0 अब यहाँ से 1 + cos h - 2 है तो 1 + है तो यहाँ से बचेगा cos h माइनस में 1 और बट्टे में कितना है ये माइनस h। अब cos के साथ में जब भी h आते हैं 1 आता है तो उसको यहाँ से अपने को हटाना होता है ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मूले से, यानी cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस में 1 या फिर 1 माइनस में क्या होता है 2 sin² थीटा। अब थीटा को अगर आधा कर लेंगे तो ये cos थीटा बन जाएगा, इधर आएगा 2 cos² थीटा / 2 यानी आधा हो गया तो, और इधर से ये बन जाएगा 1 - 2 sin² थीटा / 2। अब इन दोनों में से ये कौन से फॉर्मूले से कैंसिल होगा, ये वाला जो है वो हो जाएगा इस वाले से यानी 1 - 2 sin² थीटा / 2 लिख लेंगे x की जगह, तो ये बनेगी लिमिट H→0 यहाँ से cos h यानी cos h कितना बन जाएगा 1 - 2 sin² थीटा की जगह कितना यहाँ पे h तो h बाई टू और आगे कितना इसमें माइनस वन बट्टे में कितना इसके माइनस, ये लिख रहे हैं। अब माइनस एक से प्लस ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया लिमिट H→0 2 × sin² h / 2 और बट्टे में कितना इसके h। तो लिमिट H→0 2 × sin h / 2 का क्या हो गया ये होल स्केयर। अब अपन ये भी जानते हैं पहले से ही लिमिट X→0 होता है और साइन एक्स बटे एक्स, तो इसके बराबर में कितना होता है कि यानी ये थीटा और ये थीटा और ये लिमिट X→0 हो रही है तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है। एक अपने इसके लिए अलग से वीडियो बना चुके हैं DL हॉस्पिटल, तो वहाँ से देख सकते हो आप कि वन क्यों होता है। तो अपन में इसके कितना जैसे sin 2 sin h / 2 का और उसके ये थीटा है यहाँ पे, तो ये ऐसा यहाँ पे इसके बट्टे में लिखना चाहेंगे तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा अपने को h/2 के होल स्क्वायर से और बट्टे में इसके कितना है h। तो लिमिट H→0 2 × ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि लिमिट X→0 sin x / x है, sin x / x कितना होगा 1, तो यहाँ पे कितना है लिमिट H→0 ये साइन थीटा है और ये भी क्या है थीटा, तो ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू H² / कितना आ जाएगा H × 2 का² करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 × 4 H² से एच कट ही जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट H→0 और ये आ जाएगा H / 2 और H की जगह 0 लिखेंगे तो 0/2 आएगा 2 और 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0। तो अपना जो LSD है यानी बायां अवकलज निकला है अभी वो कितना निकला है 0 निकला है। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे इसका दायां अवकलज निकालेंगे, दायां अवकलज निकालेंगे यानी RSD निकालेंगे और RSD का मतलब होता है लिमिट H→0 f(a + h) और माइनस में होता है f(a)/2 में होता है इसके h। अब x की जगह क्या लिखना है इसमें 5/2 दे रखा है, 5/2 पर चेक कर रहे हैं तो a कितना हो गया 5/2
प्लस में एच और माइनस में पाई बट्टा दो एक ही जगह है, और बट्टे में कितना आएगा इसके। अच्छा तो अब एक्स का जो मान है क्या होना चाहिए, पाई बट्टा दो से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स का मान पाई बट्टा दो से बड़ा है, तो एक्स का मान पाई बट्टा दो से बड़ा है, तो एक्स का मान पाई बट्टा दो से बड़ा है तो उस टाइम फलन कितना है, दो प्लस में एक्स माइनस पाई बट्टा दो का होल स्केयर। तो ये जो एक्स है इस एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, पाई बट्टा दो प्लस में एच लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स की जगह पाई बट्टा दो प्लस एच लिखेंगे, तो दो प्लस पाई बट्टा दो, पाई बट्टा दो प्लस एच माइनस आगे पाई बट्टा दो का होल स्केयर, क्योंकि फलन में दिया हुआ एक्स, ये एक्स का मान हो गया और आगे माइनस पाई बटा दो था ही, तो ये माइनस पाई बटा दो आ गया। और इस पूरे का क्या करना है, होल स्केयर। उसके बाद में माइनस का माइनस एफ एफ पाई बटा दो, यानी एक्स बराबर पाई बटा दो पर फलन अपने निकाला था पहले, तो वो आता टू, फोन में कितना इसके। अच्छा ये बन गया लिमिट एच टेन टू जीरो, दो का दो पाई बटा दो से पाई बटा दो कट जाएगा, और एच का बन जाएगा यहाँ पे स्केयर माइनस दो, और बटे में कितना इसके, अच्छा दो से दो कट जाएगा, एच स्क्वेयर से यह कट जाएगा, तो लिमिट एस टेन टू जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा, और एच की जगह जीरो लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो एल एस डी भी अपना जीरो आया था और आर एस डी भी कितना है, जीरो। तो इसका मतलब एक्स बराबर जीरो पर जो फलन है दे रखा है वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय है। तो इससे पहले वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें अच्छे से समझने के लिए। लगातार हमारे चैनल पर आप पढ़ते रहे, हम पूरा कोर्स आपको इस चैनल पर कक्षा 12 का करवा रहे हैं।